वेलकम टू स्टडी IQ. आई एम अमित वरिदी किलोर. कंटिन्यूइंग आवर लक्ष्मीकांत सीरीज, आज हम लेक्चर नंबर 58 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर रहे हैं आफ्टर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद. उसी की कंटिन्यूएशन में हमें करना है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. अब एज एक्सपेक्टेड, दो यू प्रोबेबली नो अबाउट इट, UPSC का जो चैप्टर है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चैप्टर है वो एब्सोल्युटली सिमिलर है. कोई खास उसके अंदर डिफरेंसेस नहीं है. इंडीड आप इसके अंदर सिर्फ तीन डिफरेंसेस हैं जो कि आप इमीडिएटली डिस्कस कर सकते हैं. बियॉन्ड दैट इट वुड बी लिटरली द सेम चैप्टर, द सेम वर्ड्स जो कि UPSC में हुए थे. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ये उसी पार्ट 14 में आर्टिकल नंबर 315 से 323 में दी गई है. बोथ ऑफ दिम, UPSC एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं, उसके प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं. इसमें जो एज लिमिट होती है, जो चेयरमैन है या फिर जो मेंबर ऑफ SPSC होता है, उसकी होती है 62 ईयर्स और यहां पे होती है 65 ईयर्स. एंड देन वन लास्ट वन ऑप्शन बस ये है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट तो गवर्नर करता है परंतु रिमूव प्रेसिडेंट करता है. बस दिस इज दी ओनली इंफॉर्मेशन दैट डिफर्स फ्रॉम UPSC एंड SPSC. बाकी इनके कंपोजिशन, इनके रिमूवल, इनके पावर्स और फंक्शंस वो बिल्कुल लिटरली डिटो सेम है. ज्यादा से ज्यादा बस वही फर्क है कि वो UPSC जो है वो सेंटर के लिए करती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट के लिए करती है. एक और हमारे आज का जो एक फैक्ट या इंपॉर्टेंट डेटा हमें जो याद करना है, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट यानी कि एक पर्टिकुलर राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके साथ साथ एक और ऑप्शन होता है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जरूरत पड़ने पर दो स्टेट्स को एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन सर्व कर सकता है. द ओनली थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट इज दैट कि वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सिमिलर होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में, ये कि दिस इज अ स्टैट्यूटोरी बॉडी. ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो दिस विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ कंफ्यूजन, राइट? क्योंकि UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज वी ऑलवेज स्टडी इट इन टैंडम. बट द सेम, ऑलमोस्ट इट्स एब्सोल्युटली द सेम थिंग, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. इट्स अ पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज सर्विंग टू स्टेट्स. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है. इस समय कोई भी नहीं है, एक समय में हरियाणा और पंजाब का ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन हुआ करता था. तो दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो कि आज को हमारे लेक्चर से पढ़नी है. इन ऑल रियलिटी यू कैन एक्चुअली क्विट इट राइट नाउ, अगर आपने UPSC वाला लेक्चर नंबर 57 ध्यान से किया है तो. बियॉन्ड दैट आज इसमें कुछ नहीं है, हम वही पढ़ेंगे जो कि हमने UPSC में पढ़ा था. सो यू कैन स्टे हियर फॉर द रिवीजन, बट इन केस दिस इज द इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू रिमेंबर कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नर करता है, बट इंटरेस्टिंगली रिमूव सिर्फ प्रेजिडेंट कर सकता है. यहां पर प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करेगा, प्रेजिडेंट ही रिमूव करेगा. और यहां पर जो टर्म है वही 6 ईयर्स का है, लेकिन जो एज है वो है 62 ईयर्स की, यानी 62 ईयर्स के होने पर रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी. वहां पर UPSC में 65 साल होता है. नाउ ऑल दीज थिंग्स अप्लाई टू ज्वाइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो, एक्सेप्ट वन थिंग, द ओनली फैक्ट विच चेंजेस बिटवीन देम इज दैट कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं, वेर एज जो ज्वाइंट सर्विस पब्लिक कमीशन होता है वो बेसिकली एक स्टेटूटोरी बॉडी है, यानी एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है. इट इज नॉट मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वी आर डन विद इट. दिस वॉज इट. आज का जो पूरा लेक्चर है वो यही है. लेक्चर नंबर 58 डिस्कस कर रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द JSPSC यानी कि ज्वाइंट सर्विस वाला. तेजी से पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसी के पैरेलल में हर स्टेट में एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है. सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 315 से 323 जो कि पार्ट 14 में दिए गए हैं. तो जो UPSC के आर्टिकल्स है वही आर्टिकल्स है, कोई खास डिफरेंस नहीं है. उसी आर्टिकल्स में स्टेट वाला भी दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें उनका कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर और फंक्शन और इंडिपेंडेंस ऑफ SPSC क्या होती है. नाउ दिस इज वेरी वियर्ड. क्यों? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो इनके आर्टिकल्स बिल्कुल सेम है, एंड इट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज एग्जैक्टली लाइक UPSC, एटलीस्ट प्राइमा फेसी. बट यू पीपल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर UPSC. आपको अंदर अंदर कहीं ना कहीं पर लगता है कि UPSC फेयर है, राइट? इट्स ट्रांसपेरेंट एंड इट्स फेयर. एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अलावा यू बिलीव
कि दैट इज एक्चुअली द वॉच डॉग ऑफ द मैरिट, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपके दिल में सेम रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म एग्जिस्ट करता है कि देर इज probably a lot of corruption when it comes to state public service commission. Exam ढंग से होते नहीं है. अभी recently राजस्थान के exams में भी कुछ problem आई थी. एक मंत्री के ही चार रिश्तेदारों के interview में 80-80 number आ रहे हैं, बाकी उनके mains में कुछ खास number नहीं है, right? और this is regular with all the exams, चाहे वो हरियाणा सिविल हो चाहे वो यूपी वाले हो. उसके बाद कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं जो कि इनडीड कुछ ट्रांसपेरेंट करते हैं, राइट? और उसको आप काफी अप्रिशिएट भी करते हैं कि सर एमपीपीसीएस का जो पेपर होता है वो तो प्रीलिम्स की जो ओएमआर शीट होती है वो भी क्या नाम है आपको एक्सेस करवा देती है, सो दे हैव सम ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट फॉर द प्रीलिम्स इट कम्स और समथिंग, बट मोर और लेस ड्यू टू उसके बाद कुछ छोड़कर आपको पता ही है कि एसपीएससी जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग टू पुट इट माइल्डली. क्यों है उसके बारे में बात करेंगे. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कंपोजिशन यूपीएससी की तरह है. एक चेयरमैन होता है और जो दूसरे मेंबर होते हैं वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा अपनाए किए जाते हैं, ठीक है? अब ये जैसे यूपीएससी में बताया नहीं है कि कितने मेंबर होने हैं, उसी तरीके से एसपीएससी के भी नहीं बताए गए हैं. ये हमारे गवर्नर के हाथ में होता है, उसकी डिस्क्रिशन है कि कितने मेंबर्स रखने हैं, स्ट्रेंथ क्या रखनी है. अलग अलग एसपीएससी के इसीलिए अलग अलग है. यूपीएससी के तो क्योंकि एक ही है तो हमें याद कर लेना चाहिए कि उसमें 11 मेंबर है इंक्लूडिंग द चेयरमैन. कोई क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं है मेंबरशिप की, एक्सेप्ट द सेम विच वॉज फॉर द यूपीएससी की एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमीशन शुड बी जिन्होंने या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 10 साल तक जॉब किया हो या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में 10 साल तक जॉब किया हो. इसके अलावा अगर कई बार होता है कर्नल हो गया, कोई आर्मी के लोग हो गए उनको भी ले सकते हैं, कुछ और अकेडमिशियंस हो जाते हैं वो उनको भी ले सकते हैं. बस ये है कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट पीएससी या फिर यूनियन पीएससी होता है उसमें हाफ ऑफ द मेंबर शैल बी समवन जो कि 10 साल इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व किया हो 10 साल इधर स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों का दोनों यूपीएससी और एसपीएससी का सेम है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथोराइजेज द गवर्नमेंट टू डिटरमिन द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स. यहां पर गवर्नर वहां पर प्रेसिडेंट, सिंपल है. चेयरमैन ऑफ द मेंबर होल्ड अ टर्म फॉर 6 ईयर्स until they remain age of the 62 years. UPSC के केस में हमें अच्छी तरह से पता है 65 years. अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बारे में, आते हैं उसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सो दिस इज ईजी अंडरस्टूडेबल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. दे कैन रिलिंकिश देयर ऑफिस. हर एक ऑफिस के साथ सेम फंडा है यार, रिजाइन तो करना अलाउड ही होगा. ऐसा कौन सा ऑफिस होगा कि रिजाइन ही नहीं करने देंगे एक बार ज्वाइन करने के बाद, तो ठीक है. दे कैन resign by addressing their resignation to the governor. ठीक है, governor can appoint one of the members of the SPSC as an acting chairman. ये minor चीज़ है, इसको छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है. chairman नहीं होता है तो let's say कि कोई chairman ने appoint नहीं हुआ है या फिर कोई chairman किसी वजह से मतलब not able to discharge his duties है तो governor किसी को भी acting chairman बना सकता है till the time the next chairman is selected. Not a big deal. रिमूवल, अब यहां पर आज का डिफरेंस है आज के लेक्चर का, राइट? द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ एसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट दे आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द गवर्नर. दे आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट और एग्जैक्टली वही सिस्टम फॉलो होता है जो कि यूपीएससी के मेंबर्स का फॉलो होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ने यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करने का एक प्रोसेस बताया हुआ है. सो देयर आर फोर वेज जिसमें प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को रिमूव कर सकता है. द सेम फोर वेज, literally exactly the same four ways are can be followed for the removing the chairman or the members of the SPSC. बस यही ट्रिक है यहाँ पर, बाकी सेम है. देखो, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑन द सेम मैनर एज ही कैन रिमूव अ चेयरमैन और अ मेंबर. जैसे कि कौन कौन सा, इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, कोई आदमी बैंकक्रप्ट हो गया है, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि दिस पर्सन इज अ बैंकक्रप्ट, द प्रेसिडेंट विल रिमूव दैट पर्सन. यूपीएससी का चेयरमैन हो गया तो रिमूव, यूपीएससी का मेंबर हो गया तो रिमूव, किसी भी स्टेट पीएससी का चेयरमैन हो गया तो रिमूव, किसी भी स्टेट पीएससी का कोई मेंबर हो गया तो रिमूव. इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग अ पेड एम्प्लॉयमेंट, कोई बाहर पेड एम्प्लॉयमेंट ले ली भाई, कहीं और नौकरी करने लग गए यहाँ के मेंबर होते हुए. दूसरा, अगर प्रेजिडेंट का ओपिनियन है कि दिस पर्सन इज नॉट एबल टू कंटिन्यू ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या बॉडी से ऐसा है कि काम नहीं कर सकता है या दिमाग से इस प्रकार से सिचुएशन हो गई है कि काम नहीं कर सकता है. ये तीन सिचुएशन में तीनों के तीनों यूपीएससी पर भी अप्लाई होते हैं और एसपीएससी पर भी अप्लाई होते हैं. एंड देन द लास्ट वन जो कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई एसपीएससी का मेंबर या चेयरमैन मिसबिहेवियर करता है या यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर मिसबिहेवियर करता है तो क्या किया जाता है. वेल, इन दैट केस द प्रेसिडेंट विल रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी.
बिल्कुल डिटो, सेम टू सेम, तो कोई फर्क नहीं है, मतलब एज इन की यूपीएससी या एसपीएससी के मेंबर में रिमूवल के प्रोसीजर में जीरो फर्क है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो जाएगी, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के पास जाएगी, याद रखिए इसमें भी, सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो इंक्वायरी जाएगी, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी रिकमेंडेशन होगी वो बाइंडिंग है। इंटरेस्टिंग पार्ट, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, अगर एडवाइज करती है तब प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जो ये एडवाइस है दिस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये हमने यूपीएससी में भी इस बात को असर्ट किया था कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर कोई यूपीएससी का चेयरमैन हो तो उसकी अगर इंक्वायरी मिसबिहेवियर की सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो कि यूजुअली ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज्यादा बाइंडिंग होती है, वरना वो एडवाइजरी या रिकमेंडेटरी ही होती है। नेवरदलेस, हाँ, इंक्वायरी के टाइम पे चेयरमैन वेयरमैन को तब तक हम सस्पेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज मतलब क्लियर बात है, बस सिंपल बात यह है कि एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज कंसर्न, गवर्नर का है सब लेना देना, बट एज फार एज द रिमूवल इज कंसर्न एवरीथिंग बिलोंग्स टू द प्रेजिडेंट, और एग्जैक्ट वो प्रोसेस जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में फॉलो किया जाता है वही यहां पर किया जाता है। सीम्स लाइक अ प्लान। सेम जो इंडिपेंडेंस के यूपीएससी के प्रोविजन हैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। क्या, देखिए, दे कैन बी रिमूव्ड बट By the President only in a manner mentioned in the Constitution, ठीक है, तो कोई problem की बात नहीं है, security of tenure है, लिखा हुआ है, चार ही तरीके हैं हटाने के, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो easy है, तरीका है, same with the UPSC, इनकी conditions of service cannot be varied to their disadvantage, I believe we have settled with it, ऐसी कोई constitutional body exist ही नहीं करती जिसके service conditions उसके service join करने के बाद उसके डिसएडवांटेज में चेंज कर सकती हो गवर्नमेंट, इम्पॉसिबल, दिस इज डन। उसके बाद जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ओके, क्योंकि वो स्टेट के हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यूपीएससी के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, सीम्स लाइक अ प्लान, नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद अच्छा यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी और द चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ये बात को क्लियर कर लेते हैं कि क्या सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हम ये बात कर चुके हैं एक बार। देखिए इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन में तीन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बट दे आर टेक्निकली एलिजिबल फॉर अदर जॉब, गवर्नमेंट उनको कोई और दूसरी जॉब्स देना चाहे तो दे सकती है, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेवरेज मिल जाती है गवर्नमेंट को। यूपीएससी में उन्होंने ऐसा नहीं किया, यूपीएससी में उनको ध्यान रहा कि इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं उनको एक बार अगर वो चेयरमैन या मेंबर बन गए तो कहीं और गवर्नमेंट में कोई जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन देयर इज वन वे टू डू इट, जो मेंबर है वो चेयरमैन जरूर बन सकता है, देयर इज दैट, चेयरमैन हो गया तो खत्म। अच्छा, दो बार चेयरमैन नहीं बन सकते, एक ही बार चेयरमैन बन सकते, सो वंस यूपीएससी का चेयरमैन, उसके बाद गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स उसकी परमानेंट खत्म हो गई, ठीक है, बाहर अपना कोई काम कर सकता है पर्सनली रिटायरमेंट के बाद, लेकिन मेंबर है यूपीएससी का उसके पास अभी ऑप्शन है चेयरमैन बनने का, तो पहले ये 6 साल मेंबर रह सकता है और 6 साल के बाद जब ये मेंबर हटेगा तो उसके बाद ये वापस 6 साल फिर दोबारा से चेयरमैन भी बन सकता है, ठीक है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है टिल दी एज ऑफ द 65 ईयर्स वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो एक, अब कैसे किया जा सकता है, पहले तो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हो, ये मेंबर, ये अब आदमी क्या क्या कर सकता है, ये आदमी, इसके पास दो ऑप्शन है, मेंबर बनने के बाद ये चेयरमैन बन सकता है इसी, इसका ये चेयरमैन बनने के बाद वापस यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, और ये यूपीएससी का मेंबर बनने के बाद ये चेयरमैन भी बन सकता है। सो टेक्निकली 6 साल, अगर कोई बहुत ही अलग लग स्ट्रीक पर चल रहा हो तो 24 साल की पूरी जॉब इस पर चल सकती है, बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट राइट, कि सिर्फ मेंबर से चेयरमैन बनना अलाउड है, चेयरमैन के बाद बेसिकली अगर कोई यूएसपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है तो वो बेसिकली यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, बट बियॉन्ड दैट कोई गवर्नमेंट की जॉब्स पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ एसपीएससी अगर उसका ऑफिस खत्म हो गया है, इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी और एज चेयरमैन ऑफ अनदर एसपीएससी। यहां पर इंटरेस्टिंग वाली बात है भाई, हरियाणा पीसीएस के जो चेयरमैन थे तो इनकी नौकरी जब खत्म होती है 6 साल के बाद तो या तो ये यूपीएससी के मेंबर बनेंगे या ये यूपीएससी के चेयरमैन बनेंगे,
और ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये किसी और स्टेट सर्विसेज में भी जाके वहाँ के भी चेयरमैन बन सकते हैं, जैसे राजस्थान आरएएस के, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के चेयरमैन बन गए। सो इजी वाला है सिस्टम आरपीएससी के, दिस इज इट। ए मेंबर ऑफ एसपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और द मेंबर ऑफ द यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ दैट एसपीएससी और एनी अदर एसपीएससी बट नॉट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट। कोई बात नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, कहने का सिर्फ ये मतलब होता है कि जो चेयरमैन होता है किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो या तो यूपीएससी का मेंबर बनेगा या यूपीएससी का चेयरमैन बनेगा या किसी बाकी एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। सिर्फ तीन ही जॉब है उसके पास, ठीक है। जो मेंबर होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसके पास चार है। क्या? एक तो ये अपने एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या यूपीएससी का मेंबर बन सकता है या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। इतना ही फर्क है, दैट इज इट। इनके अलावा कोई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए। द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ एन एसपीएससी आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट टर्म इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। सेकेंड टर्म किसी को नहीं मिलता है। तो मेंबर बन लिए ना 6 साल, तो अब दोबारा से मेंबर नहीं बन सकते हो, चेयरमैन फिर भी बनना अलाउड है। चेयरमैन बन लिए, इस एसपीएससी के चेयरमैन नहीं बनोगे, दूसरी अगर कोई स्टेट वाली पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन है तो वो बन सकते हो। एक बार यूपीएससी के मेंबर बन लिए तो 6 साल खत्म होने के बाद अब यूपीएससी के मेंबर नहीं हो सकते, एक ही लास्ट बचा यूपीएससी का चेयरमैन बनना, और यूपीएससी का चेयरमैन बनने के बाद सब खत्म, दी एंड। चलिए फंक्शंस क्या है। द सेम फंक्शंस जो कि यूपीएससी सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में करती है, वही स्टेट एम्प्लॉय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में करता है। ऑल दोज फंक्शंस जो कि इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दिस इज समथिंग विच वी नो, राइट। हम सबको पता है कि बेसिकली यूपीएससी अपने आईएएस आईपीएस के लिए सिलेक्शन के लिए एक एग्जाम करती है, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए एक एग्जाम करती है। उसी प्रकार से स्टेट के भी जो होते हैं वो भी एग्जाम होते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपी पीसीएस होता है, पंजाब पीसीएस होता है, जिसमें वो मतलब वहाँ पे पुलिस के या सिविल के लोग और जो और ए ग्रुप बी के जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं उनके लिए सिलेक्शन के लिए। सो दैट इज डन बाय एसपीएससी, नॉट एन इशू। इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे रिलेटेड कई सारे अपॉइंटमेंट के, कंपोजिशन के, उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उसमें कंसल्ट किया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। अब अगर जिसने लेक्चर नंबर 57 देखा है वो ये बात जानता ही होगा कि यूपीएससी से सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में रिकमेंडेशन ली जाती हैं, नन ऑफ देम आर बाइंडिंग, ऑल ऑफ देम आर एडवाइजरी एंड द सेम अप्लाइज टू इट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कंसल्ट तो कर रहे हैं एसपीएससी से, ठीक है, पर सपोज कीजिए गवर्नमेंट ना ही करे, लेट्स से कि गवर्नमेंट डजंट कंसल्ट, तो जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको कोर्ट में रेमेडी नहीं दी जा सकती इसकी। इट इज जस्ट एन एडवाइजेबल थिंग कि कर लो, नहीं किया तो देर इज नॉट एन लीगल इशू, लीगली कोई गलत बात नहीं है नहीं किया तो। कोर्ट ने बोला है कि कोई भी इरेगुलरिटी हो इन कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक या फिर यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लो, या बिना कंसल्टेशन के एक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि उनका डिसीजन गलत हो जाएगा, यह प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, क्लैरिटी में बताया गया है। तो द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द सिलेक्शन बाय द एसपीएससी डज नॉट गारंटी अ पोस्ट। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने का यह मतलब नहीं है कि आईएएस बन ही गए हो, गवर्नमेंट आईएएस की पोस्ट देगी ही देगी, दैट इज जस्ट एन एग्जाम, क्लियर कर लिया गवर्नमेंट को यूपीएससी। आप ये 180 लोगों को सिलेक्ट करके दे देते कि इनको अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, बट गवर्नमेंट कैन एक्चुअली से कि मुझे ये आदमी पसंद, वी विल नॉट टेक यू एज एन आईएएस, बट मैंने क्लियर किया पेपर, सर मेरी रैंक 10th है, आई एम सो सॉरी वी कांट डू इट। आप कोर्ट में जाएंगे एंड कोर्ट विल बी लाइक कि हाँ ऐसे ही होता है भाई, यूपीएससी का पेपर क्लियर करने का मतलब आईएएस बनना नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तब मानेंगे। द सेम अप्लाइज टू द एसपीएससी ऑल्सो, बट दिस इज जस्ट लीगल न्यूएंस, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है कि पेपर कोई क्लियर कर ले फिर उसको जॉब ना दी जाए, इंडीड वो कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट यूजुअली उसके फेवर में ही इस बात की ऑर्डर दे देगी, बेसिकली इस बात को ऑर्डर दे देगी, मैंडमस ऑर्डर दे देगी, मैंडमस रिट दे देगी कि आपको ये काम पूरा का पूरा करके देना है गवर्नमेंट को, नॉट एन इशू। अब लिमिटेशंस क्या है। पहले तो जिन मुद्दों के ऊपर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करना होता है उसमें ना भी करोगे तो भी चलेगा, कर लिया तो उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, गलत तरीके से कर लिया तो भी कोई लीगल रेमेडी नहीं है। इन मुद्दों पर डिस्कस भी मत करना,
रिजर्वेशन अगर किसी के लिए बनानी हो बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट सर्विसेज या पोस्ट पे करनी हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज, दे आर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, तो उसके अंदर एकेडमिक और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका कोई लेना देना नहीं होती है। एंड डेफिनेटली द रिक्रूटिंग एजेंसी हैज़ नो कंसर्न्स फॉर द ओबीसी एससी और एसटी राइट्स, तो उनके लिए अलग से वो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज है तो इन पे डिस्कशन भी नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि एसपीएससी का रोल सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी नेचर है और कुछ भी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। अगर एसपीएससी कोई एडवाइस देती है इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट, एंड इवन दे व्हेन दे डोंट एक्सेप्ट इट इट डज नॉट चेंज एनीथिंग, सो दैट इज इट। बाकी एसपीएससी होती है अपनी एक रिपोर्ट, अब रिपोर्ट सबमिट करती है एनुअली और वो लेजिस्लेचर में डिस्कस हो जाए, उसके ऊपर कुछ अपोजिशन उस पर कुछ प्रेशर डाले, देन दैट्स अ थिंग, बट लीगली ऐसा कोई है नहीं जो उस पर कर सकता है। एग्जैक्टली यूपीएससी इज इक्वल टू पैरेलल टू एसपीएससी, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों की दोनों चीज मतलब पॉइंट टू पॉइंट सेम है, बट यूपीएससी डज ड्रॉ अ रिस्पेक्ट फ्रॉम यू ऑफ फेयरनेस, ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑफ मेरिट, देन व्हाई डज एसपीएससीज डू नॉट हैव दैट, या फिर उनमें क्यों ऐसे एलिगेशंस हैं कि दे आर करप्ट, वाई इज दैट द क्वेश्चन। इसके अलावा जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें एक ही पॉइंट बचा हुआ है हमारे पास, क्या? जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि दो स्टेट के लिए एक सिंगल पब्लिक सर्विस कमीशन बना देना, और जिसमें याद करने की सिर्फ एक ही बात है, क्या? कि JSPSC स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी दिया हुआ है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दिया हुआ है, पर JSPSC नहीं दिया हुआ। यह बनता है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, अगर जरूरत पड़ती है तो। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बोला है कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए प्रोविजन, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो बना लेना अपनी मर्जी से, ठीक है? दे सेड दैट कि JSPC बना लो फॉर टू और मोर स्टेट्स। अब UPSC और SPSC तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, पर JSPC कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। सो आई विल गिव एन एग्जांपल, हरियाणा है, पंजाब है, फॉर एब्सोल्युटली अनएक्सप्लेन्ड रीजन ये दोनों के दोनों स्टेट्स के लेजिस्लेचर, इनकी विधानसभा सोचती है कि दोनों ना मिलके एक ही ज्वाइंट पब्लिक, तो हरियाणा अपने विधानसभा में एक मोशन पास करेगा मेक अस अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब भी पास करेगा मेक अस अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये दोनों रेजोल्यूशन जब पास हो जाएंगे तब जो केंद्र सरकार होगी वो पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसके द्वारा हरियाणा और पंजाब का ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बनेगा ये। बस पंजाब और हरियाणा का एक्चुअली में हुआ भी करता था फॉर अ शॉर्ट पीरियड जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था 1 नवंबर 1966 को, बट फाइनली इस समय अलग अलग है, हरियाणा का हरियाणा HPSC अलग चलता है और पंजाब का PSC अलग हो गया है, तो अब सेपरेट सेपरेट है, इस समय देश में कुछ भी नहीं है, इसमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन की बात नहीं। बाकी डिट्टो जो हमने अभी भी स्टेट वाले कॉन्टेक्स्ट में सुना, हल्का सा भी फर्क नहीं है, एंड इट इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसमें एक ही सेंटेंस पूछेंगे, देखो टेक्निकल ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस पर किसी भी एग्जामिनर को खास इंटरेस्ट नहीं है, यूपीएससी को भी इस पर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं तो इस पर बच्चे से क्या जान के क्या करना है। एक ही बात को याद रखो कि स्टैट्यूटरी है, किसी दिन भूले भटके चैप्टर खुल गया उनके हाथ से तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। JSP वाले जो मेंबर होते हैं, एक और डिफरेंस रह गया ये वाला, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं वो तो गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी JSPSC के है, रिमूवल भी JSPSC का है, बाकी सब सेम है। देखो अब मैं गारंटी देता हूँ, टर्म 6 ईयर्स का है, 62 साल का होता है, दे कैन बी सस्पेंडेड, रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट, रिजाइन करेंगे तो प्रेजिडेंट को रिजाइन करेंगे, स्टेट वाले गवर्नर को रिजाइन देते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स बाकी प्रेजिडेंट के द्वारा होता है, JSPC एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देती है जो कि गवर्नर अपने लेजिस्लेचर के सामने रखेगा, इट इज़ दी सेम टू सेम, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। तो ये बड़ी फनी बात, आई डोंट नो व्हाई दे मेक इट सो कॉम्प्लेक्स, आई डोंट नो, ठीक है? तो JSPSC के बारे में बात करें, द ओनली थिंग इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इज दैट कि दिस इज अ स्टैट्यूटोरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है? एंड सेकेंड, इंटरेस्टिंगली इसके मेंबर्स को प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है, बस एक नई चीज जो है, बाकी ये सारी की सारी सब कुछ डिट्टो
और वैसे हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती है. आई डोंट थिंक सो. वी हैव टू बी टू मच वरीड अबाउट एनी ऑफ इट. रेस्ट, दीज आर दी सोशल मीडिया हैंडल्स विच आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन मी ऑन. अपनी पसंद का कोई कर लो. आई थिंक वन ऑफ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. कोई इंस्टा पसंद करता है, कोई ट्विटर पसंद करता है. सो ज्वाइन मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया विच यू लाइक एंड वी विल कंटिन्यू इन द लेक्चर नंबर 59 विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.